और एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इसको कहते हैं नेचुरल कंसेप्शन। उसके बाद 60% कपल बगैर किसी वजह के, सिर्फ एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कंसीव नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपसे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले जो मेरे पेशेंट अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहबा बेस्ट सेक्सुअल पोजीशन कौन सी है जिसमें कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो इस टॉपिक को मैं आज आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी आगाही, आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्शन का तरीका कार क्या है। पोजीशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमल होता कैसे है। जब आप कंसीव करते हैं, आपका एम्ब्रियो बनने से पहले नॉर्मली जो अब आप अवेल करते हैं, तो इसमें स्पर्म वजाइनली ट्रांसफ़र होता है और मैच्योर एग रप्चर होता है। इन दोनों की आपस में मिलने से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इसको कहते हैं नेचुरल कंसेप्शन। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता होना चाहिए कि आपकी फर्टाइल विंडो क्या है, मतलब वो कौन सा टाइम है जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं। यूजुअली लोग जो मेरे पास आते हैं उनका साइकिल 28 डेज से 30 डेज होता है, मतलब हर माह 2 दिन या 3 दिन पहले पीरियड्स आते हैं, ये नॉर्मल है। इसको जानने के लिए अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो उसमें आपने 14 डेज माइनस कर लेने हैं, तो जो डेट आपके पास आती है उसमें 2 दिन प्लस करके और 2 दिन माइनस करके, मतलब टोटल 1 वीक आपको आपस में अवेल करना है, सेक्सुअली इंटरकोर्स करना है, जिससे आपकी कंसीविंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आप नेचुरली ही कंसीव कर पाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि ओवुलेशन स्ट्रिप्स आती हैं, जिससे आप अर्ली मॉर्निंग यूरिन में डिप करके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी ओवुलेशन किस डे पे है। 2 लाइंस आपको क्लियरली शो करती हैं कि आपका ओवुलेशन पीरियड उसी डे पे है जब वो पॉजिटिव आती हैं। इसके अलावा आपका आपस में अच्छे ताल्लुकात से रहना, खुश रहना, बग़ैर टेंशन एंग्जाइटी स्ट्रेस के रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि जब आप आपस में अवेल करते हैं तो जो सीमन होता है उसमें सिर्फ 5% स्पर्म होते हैं और बकाया लिक्विड होता है, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का स्पर्म ट्रेवल करके वजाइना से अब सर्विक्स से गुजर के यूट्रस से पास होके अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इसके लिए किसी पोजीशन की, किसी पोस्चर की, किसी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये इस वीडियो से मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सेंड करूँगी कि आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि आपको हाफ एन आवर रेस्ट करनी चाहिए। अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं क्या डॉक्टर साहब इसके बाद हमें आधा घंटा रेस्ट करनी है, घंटा रेस्ट करनी है, आपने शॉवर लेना है नहीं लेना है, आपने किस पोजीशन में रहना है। ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर आपने आपस में अवेल किया है और आपका सीमन इस काबिल है तो स्पर्म ट्रेवल करके खुद ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और जो फ्लूइड होता है वो नेचुरली ही बाहर मूव कर जाता है। इसमें आपको किसी पोजीशन, किसी टाइमिंग, किसी भी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका कंफर्ट लेवल, आपका रिलैक्स होना, आपकी इंटीमेसी, आपका ऑर्गेज़म, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेज़म क्या कंसीव करने के लिए ज़रूरी है? तो जी, इसका कंसीव करने से ताल्लुक बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हेल्प आउट करता है स्पर्म को अपने एग तक पहुंचने के लिए, मगर इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इसके बगैर आप कंसीव नहीं कर सकते। आप ज़रूर नेचुरली ही कंसीव कर सकते हैं, अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर कीजिए और खुश रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। 60% कपल बग़ैर किसी वजह के
सिर्फ एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कंसीव नहीं कर पाते। जो नेगेटिव ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज होते हैं स्ट्रेस में, वो एग की और स्पर्म की डिजेनरेशन करते हैं, जिसकी वजह से एग और स्पर्म उस क्वालिटी के नहीं बनते और कंसीव नहीं हो पाता। इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप आपस में खुश रहें। शुक्रिया और अच्छा टाइम गुजारें। थैंक यू।